कासगंज जनपद के पटियाली कस्बा के मोहल्ला कटरा मदारी खां चौक में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंचन शाक्य के पक्ष में मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए एक चुनावी सभा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता हाजी रसूल अहमद ने की और संचालन हाजी यूनिस अली मंसूरी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अशफाक सैफी पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। चुनावी सभा में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग शामिल रहे। मुस्लिम समाज के लोगों ने मुख्य अतिथि का फूल मालाओं एवं सम्मान का प्रतीक चिन्ह शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता शिक्षाविद प्रोफेसर नीरज किशोर मिश्रा ने सभा में मौजूद मुस्लिम समाज के लोगों का आभार जताया। इसी दौरान मुख्य अतिथि अशफाक सैफी ने भाजपा प्रत्याशी कंचन शाक्य के पक्ष में अपने समाज के लोगों से मतदान करने की अपील की। पटियाली एक ऐतिहासिक शहर है, अमीर खुसरो का शहर है, गंगा जमुनी तहजीब यहाँ बसती है और यहाँ इस बार जो भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल से जो प्रत्याशी है कंचन शाक्य जी भारी मतों से जीतने वाली है और यहाँ पर सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के नारे के साथ जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, किसी के साथ बिना भेदभाव के, मुस्लिम समाज हो चाहे कोई भी समाज हो, सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप प्रदेश भर में घूम रहे हैं प्रत्याशियों को जिताने के लिए, तो आपके मुस्लिम समाज का क्या रुख देखने को मिल रहा है प्रदेश? मुस्लिम समाज इस बार बड़े संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। 300 से 400 से अधिक टिकटें भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज को दी हैं, कई विधायक बनाए हैं, कई विधान परिषद सदस्य बना के भेजे हैं, कई मंत्री बनाए हैं, इसलिए मुस्लिम समाज अब किसी के डर और में आने वाला नहीं है। भय भ्रम की स्थिति खत्म हो गई। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।